हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पे। आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहें, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पे मिलते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि सरकार को क्यों रॉबिनहुड मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए। मैं रॉबिनहुड मैकेनिज्म बहुत बोलता रहता हूँ। इसका मतलब ये है कि अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगा करके गरीबों में फ्री में बांट देना या फिर सब्सिडी दे देना, ऐसा करके सरकार को मज़ा क्या आता है, क्या अचीव करना चाहते हैं वो। आइए इसकी जानकारी लेते हैं हम लोग के मटेरियल से। क्वेश्चन नंबर 9 में ये चीज़ कवर्ड है। तो ये रही सर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप बोलो, इसके कारण हैं क्यों सरकार बीच में आ रही है। उसका पहला कारण तो सर यही है, सरकार चाहती है कि जो सोशल आउटपुट बनते हैं वो सबके पास में इक्विटेबल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हों। यानी कि ऐसा ना हो कि सर जो सोशल आउटपुट बनते हैं वो सिर्फ एक ही तबके के लोग एन्जॉय करें और बाकी लोग उसको एन्जॉय ना कर पाए। इसलिए फॉर इंश्योरिंग दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल आउटपुट हैपन्स अमॉन्ग ऑल दी हाउस होल्ड, सरकार रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। दूसरा, सरकार को सर उन लोगों से भी बहुत प्रॉब्लम है जो डिप्राइव्ड हैं और उन लोग का कुछ भला करना चाहती है सरकार। सरकार ये नहीं चाहती कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो हमेशा ही बैकवर्ड बने रहें, उनको आगे आने के लिए उनको थोड़े मौके मिले, इसलिए सरकार उनके वेलबींग के लिए भी कई सारे काम करती रहती है और वो सब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन में कवर्ड है। थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग इक्वलिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में भी बात हो चुकी सर। अगर हम इनकम की बात करें, वेल्थ की बात करें या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, ये अमीरों के लिए तो बहुत हैं और गरीबों के लिए नहीं है। ऐसे में सरकार का काम ये है कि वो इस इनकम, वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज़ को लगभग इक्विटेबल बेसिस में सबके सामने डिस्ट्रीब्यूट करें, और जिससे हम लोग ट्राई करें कि हमारी इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वलिटी है वो कुछ कम हो। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द पीपल वो हैव हार्डशिप। हार्डशिप में वो लोग हैं जो सर रोड साइड रहते हैं, वो लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, उन लोगों के लिए भी सरकार स्कीम्स लेकर के आती है, शेल्टर होम्स बनाती है, सो दैट कम से कम उन लोग की हेल्थ की और उन लोग के लाइफ की थोड़ी सी सिक्योरिटी उनको दे सके हम। एंड फाइनली गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट्स टू एन्श्योर कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लगभग सभी को मिल जाए। इसलिए तो पॉवर्टी लाइन के नीचे सरकार किसी को देखना नहीं चाहती, सो दे आर वर्किंग इन दिस मैनर कि ज़्यादातर लोगों को या सभी लोगों को मिनिमम तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले ही मिले। आलिशान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कामनाएँ नहीं हो रही यहाँ पर, बट गरीबों के लिए ये काम हो रहा है। सिंस आप ये सभी स्कीम्स में देखेंगे कि फ़ायदा गरीबों का है और अमीरों का फ़ायदा नहीं है, इसीलिए ये रीडिस्ट्रीब्यूशन में कवर होगा, वेयर द गवर्नमेंट इज चार्जिंग द सुपर रिच एंड इज गिविंग अवे बेनिफिट्स टू दोज हु आर पुअर। तो ये था हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन पे वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और बाद बाकी वीडियोस के लिए भी आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर ये अच्छा लगा था तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि एकदम कंस्ट्रक्टिव वे में आप इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को शुरुआत से लेके एंड तक इंक्लूडिंग दिस मटेरियल अच्छे से कवर कर लें, तो आप हमारे वीडियो कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस वीडियो में फ्लैश हो रही है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ से आप हम तक पहुँच जाएंगे। सो विद दैट बींग सेड, मैं आज्ञा चाहूँगा आज के लिए, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग एक और ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट ऑन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के साथ में। With that being said, चलिए विदा लेता हूँ। Bye-bye.